अशहद्वा यौम आशूर की सुबह का अजान अली अकबर की सदाओं से आगाज लाहौर के मोहल्ला शिया मस्जिद कश्मीरिया में अजान अली अकबर अदा की गई मुर्तजा मुस्फी ने अजान अली अकबर अदा करने की सहादत हासिल की विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की पांडू स्ट्रीट आमद शबीजुलजना की जियारत आज़ादारा ने हुसैन से मुलाकात की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया सी सी पी ओ सिद्दीकमियाना डी सी लाहौर राफिया हैदर और दीगर हुकाम भी हमरा थे शहुदाय करबला की अज़ीम कुर्बानी की याद में जुलूस और मजालस मुल्क भर में नौ महरुम हराम के जुलूस निकाले गए अजादार नोहानी और सलाम पेश किया अजादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम किया गया जुलूसों की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई कहीं मोबाइल फ़ोन सर्विस जुजवी और कहीं मुकम्मल मौत रही वफाखी वजी दाखिला मोसिन नकवी का इस्लामाबाद का फिजाई जायज़ा नौ महरम के मरकज़ जुलूस का दौरा किया मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जुलूस के मुंतजमी से मुलाकात इंतजाम के बारे में पूछा विफाकी वजीर दाखिला की सिक्योरिटी मुसलसल हाई अलर्ट रखने की हिदायत हज़रत इमाम हुसैन आल्लम ने और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा इमाम अली मकाम और रफका जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की अजीम मिसाल है नवास रसूल ने आजमाइशों में सबित कदम रहने का दर्ज दिया हजरत इमाम हुसैन आसमाम की शहादत उम्मत मुसलमा के लिए दरस अजीम है पंजाब में अजादारों के लिए सबीले और लंगर अहतमाम वजीर अला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर किया गया मरीम नवाज का सिक्योरिटी इंतजाम को फूल प्रूफ बनाने का हुक्म कहा और आमन फिजा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए शरपसंदनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कराची समेत सिंध भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जजवी मअल आशूरा पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी असलह की नुमाइश और ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी पंजाब हुकूमत का मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद ना करने का फैसला जुलूसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायन करबलाए मौला में आशकान नवास रसूल का बड़ा इज्तम लाखों अजदारों की शिरकत आँखें गम हुसैन और उनके रोफका की याद में पुरनाम जबान पर खानी जारी श्रीनगर में भारतीय पाबंदियों के बावजूद आशूरा का जुलूस निकाला गया अजेदारों ने फ़लस्ती परचम भी लहराए बन्नू छावनी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम आठ जवान वतन पर कुर्बान हो गए फोर्सेस ने तमाम दस हमला आवर मार दिए आई एस पी आर के मुताबिक दहशतगर्दों ने छावनी में घुसने की कोशिश की बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी हमले में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया दहशतगर्द कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की यह ग्रुप अफगानिस्तान से काम कर रहा है अफगान हुकूमत इन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे खतरात के खिलाफ इकदाम करेंगे बन्नू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई फौज के सीनियर अफसरान आवाम और शोदा के रिश्तेदारों की शिरकत शहदा को आबाई इलाकों में सुबरदाक किया जाएगा आई एस पी आर के मुताबिक शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद हवलदार शहजाद अहमद हवलदार जिले हुसैन शामिल लांस नायक सब्ज अली खान सिपाही अशफाक हुसैन खान सिपाही अरसलान असलम भी शहीद हुए सिपाही सुबहान मजीद बलोच और सिपाही इम्तियाज़ खान ने भी जाम शहादत नोश किया सदर वजीर अज़म और विफाक वजी दाखिला का सिक्योरिटी फोर्स को खराज तहसीन बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सराहा शहदा को खराज अकीदत पेश किया सदर ममलिका तसफ अली ज़रदारी ने कहा कौम को बहादुर जवानों की कर्बानी पर फख्र है शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज़ की कुरबानियाँ लाजावाल हैं मोहसिन नकवी ने कहा जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया शहदा कौम का फखर है डियाई खान में देही सेहत मरकज़ पर हमला दहशतगर्दों की फायरिंग से पांच शहरी शहीद हो गए शोदा में दो लेडी हेल्थ वर्कर्स दो बच्चे और एक चौकीदार शामिल फोर्सेस की फायरिंग से तीन दहशतगर्द मारे गए फायरिंग के तबादले में तीन सिक्योरिटी अहलकार भी शहीद हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाज अदा कर दी गई और उमान में मस्जिद के करीब फायरिंग चार पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो गई हमले में चार पाकिस्तानियों समेत छः अफराद जाम हक हुए ज़ख्मियों में सत्तर पाकिस्तानी शामिल उमानी पुलिस ने तीन हमलावरों को हलाक कर दिया पाकिस्तानी सफ़ीर की हॉस्पिटल में ज़ख्मियों कीदत सफारतखा में हॉटलाइन भी कायम कर दी गई